मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मुसीबत भले ही अपना दायरा बढ़ाती जा रही हो, लेकिन सत्ताधारी दल उपचुनाव से लेकर कैबिनेट विस्तार पर ज्यादा ध्यान देता नजर आ रहा है। इसीलिए तो पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच अब बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को सख्त हिदायत दी है। साथ ही टिकट बंटवारे पर भी बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच सियासी दलों की हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। शिवराज के सामने कैबिनेट विस्तार से लेकर उपचुनाव में पुराने और नए नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोगों को तवज्जो देना जरूरी है, तो वहीं अपने नेताओं में हो रही नाराजगी को दूर करना भी जरूरी है। दरअसल काफी वक्त से सिंधिया खेमे की तरफ से कैबिनेट में जगह और उपचुनाव में टिकट देने को लेकर बीजेपी में खटपट की खबरें जोर पकड़ रही थी, जिसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों को सख्त लहजे में हिदायत दी है। साथ ही टिकट वितरण पर भी बड़ा बयान दिया। जी हां, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा, कांग्रेस नेताओं को अगर दोबारा चुनाव जीतना है तो भूल जाएं कहां से आए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नम्रता का व्यवहार रखें। उन्होंने कहा, संयम बरतने से काम होगा, उन्हें हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा, एक पार्टी और घटक के मिलने पर सरकार बनाने पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, सिंधिया समर्थक और कुछ कांग्रेस नेताओं ने त्याग पत्र देकर पार्टी की मदद की है, तो वो मंत्री भी बनेंगे। अगर बीजेपी की विचारधारा और अनुशासन को अंगीकार कर लेंगे तो मंत्रिमंडल के गठन में परेशानी नहीं होगी। उपचुनाव में टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस से नेता आए हैं तो अपने क्षेत्र से बीजेपी के चिन्ह से चुनाव भी लड़ेंगे, इसीलिए इन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से समरसता बिठानी पड़ेगी। यानी बीजेपी नेता का साफ कहना है, अगर पार्टी में तवज्जो चाहते हो तो बीजेपी की विचारधारा को अपना कर कार्यकर्ताओं से सलीके से पेश आना होगा, नहीं तो पार्टी में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब बीजेपी नेता ने हिदायत तो दे दी है, लेकिन सिंधिया समर्थक इसे किस तरह से लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।